विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर, 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड नकद या आसान अकसाद पर। इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स, शाली बंडा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसुफ अद्दीन, मैं सबील पान महल का ओनर हूँ। यहाँ पर क्या सेटलमेंट 202 फ्लोर नंबर HP गैस गोडाउन के सामने मेरा डब्बा है। मैं पान डब्बे का सिविल केस चल रहा क्या मेरे कहने कितने की बार मैं कंप्लेन आ दिया, पुलिस भी कुछ भी एक्शन नहीं ले रही। अब भी बोलते सब मैं कहने हाईकोर्ट का आर्डर है और एग्रीमेंट है, तो भाई मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर कोई PS में कोई अवेलेबलिस्ट नहीं है। यहाँ आतापुर आउटपोस्ट पे आया, कंप्लेंट दिया, उन लोगों को भी लेके आए थे। 100 पर कंप्लेंट दिया था मैं, उन लोगों को भी लेके आए थे। यहाँ पर लेके आए बाद यहाँ पर बात कर रहा है, मैं यहाँ कंप्लेंट लिख रहा हूँ, फिर जाके मेरे डब्बे को तोड़ दिया। नाम हाँ, उसका एक का नाम अब्दुल मोहम्मद, अब्दुल सलीम, मोहम्मद अब्दुल हफीज, मोहम्मद अब्दुल खयूम, और जो प्रॉपर्टी खरीदे थे उन लोग बोलते सो मोहम्मद परवेज खान, और उन कोई माजिद हुसैन साहब का मेयर है बोल के बोले, हैदर माजिद हुसैन साहब मेयर के ड्राइवर है बोल के मेरे को कॉल करे थे। तो मैं माजिद साहब को फोन करा था, 2 दिन से मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, डब्बे का ने आने नहीं दे रहे। मेरे पीछे 30-40 आदमियों को लगा के रखे, मैं PS को जा रहा हूँ। बता मेरे नाम का कौन, तो आपके उन लोगों के नाम आने मालूम इतना परवेज गाइड कर रहा हूँ लोगों को। अब वो मैं माजी साहब को फोन करा था, 2 दिन से फिर रहा हूँ मैं, PS को आने नहीं दे रहे। माजी साहब बोले आप जाइए, कुछ भी नहीं होता, कोई भी आरा गरा मेरा नाम लेके बात करा तो आप कहीं भी डर रहे हैं, आप PS को जाइए। मैं सर्कल साहब को और हुसैनी पाशा साहब को फोन करता हूँ और हमारे अहमद बेग साहब को फोन करता हूँ, आप डरो मत बोले। तो मैं आया यहाँ कंप्लेंट देने आया, उनकी हिम्मत से आया मैं माजी साहब की आए बाद यहाँ पर मैं कंप्लेंट ही दे रहा हूँ। फिर उन जाके वैसी तोड़ के पूरा तोड़ दिया, डिसमेंटल कर दिया मेरा डब्बे को। अब मैं क्या कमाना क्या खाना। अब ये देखिए मेरे कहने ये उन लोगों का अग्रीमेंट है जो कोर्ट में केस चल रहा, ये अग्रीमेंट है। इससे पहले भी मैं कई वक्त मैं कंप्लेंट दे दिया था PS को, 2 बार लिख के दिया, फिर ओरली कंप्लेंट 3 बार दिया। PS कोई सही से इन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं ले रही, पुलिस इन लोगों के जिम्मे पर रहा प्रवेश मेरे को। और बोलते तो क्या हमारे प्रकाश गौर साहब से हमारे अच्छे कनेक्शन है, जो करता कर ले, दोनों PS हमारे जिम्मे, SCP जिम्मे हमारे बोल के बोल रहा है पुलिस। वाकई में यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही पुलिस। यहाँ आए तो तुम लोग अंदर का अंदर सेटलमेंट कर ले रहे, उनके कोई बड़े आके ठहर के बात करके मेरे को पर्सनल एग्रीमेंट ये पैसे दिए। मेरे जो 20 लाख रुपए अमाउंट था, 25.5 लाख रुपए हैंड लोन के, 25 लाख रुपए 5 लाख मिला के 25 लाख थे, उसमें मेरे को ये 12 लाख रुपए दिला के ये मेरा कॉम्प्रोमाइज हो गया बोल के आके तोड़ दे रहे। ये मेरा इंजेक्शन कोर्ट के, ये सिविल कोर्ट का मेरा आर्डर है, मेरा कोर्ट का स्टेस को है मेरे कहने, एक्स पार्टी हो गए स्टेस को आर्डर है मेरे कहने। पुलिस कोर्ट का डायरेक्शन नहीं सुन रहे हैं तो ये रौडियाँ किसका डायरेक्शन सुनेंगे। ये है मेरा, लास्ट टाइम पे मैं कंप्लेंट दिया था यहाँ साइबराबाद पुलिस को, ये पुलिस की एक्नॉलेजमेंट है, DCP, Commissioner, SCP, DCP लास्ट टाइम पे दिया था। PS में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जब भी लोगों को बुला के बिठा के बात करके बोले ये लिख के दिए मेरे को, ये क्या लिखे लोग कुछ मालूम। ये ओरली मेरे को एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दिए, मैं फ़ोटो खींच के एक्नॉलेजमेंट लिया हूँ, ये एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दिए, इला लिख के दिया अहमदाबाद डब्बे का नहीं आते बोल के बोले थे। अब क्या चाह रहे हैं आप? अब क्या चाह रहे हैं मेरे को? मेरा डब्बा होना है, अब डब्बा तो तोड़ दिए ना, अब क्या डब्बा ले थे? ये हाईकोर्ट का भी आर्डर है, मैं हाईकोर्ट में भी आर्डर डाला। ये परवेज नाम बोल रहे, कौन है परवेज? जो प्रॉपर्टी खरीदे ना, ओनर जब्बार खान का भतीजा है, उन्हें पूरे रौडियों को ले लेके आ रहा, लोकल रौडियों को, उनको जब्बार खयूम ले लेके आ रहा मेरे को। और जहाँ मैं जा रहा हूँ कल परसों रात में मैं जो डब्बा बंद करा, जब से 30-40 आदमियाँ मेरे पीछे रह रहे, मैं PS को आ रहा हूँ बोले तो यहाँ PS का ने मेरे से पहले 10-15 जने रह रहे। वहाँ राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन को गए तो वहाँ पर मेरे से पहले पुलिस वालों आ तो आए ठहरे हुए है बोल के बोल रहा। मैं 2 कल से PS को नहीं जा सका, इस बारे में मैं कॉल करा 100 को करा, नागा बाबू साहब से भी बात करा,
अब यहाँ आया तो मेरे को कोई एक्शन नहीं है। अब पुलिस वाले बोल रहे अंदर का अंदर सेटलमेंट करके, जब नहीं आया सेटलमेंट करते तो कोर्ट सेटलमेंट करने में पीएस में कही ये पेपर पे ऑलरेडी लिख के दिए मेरे को 12 लाख रुपए दिए, एक महीने में बकाया पेमेंट देते बोल के। अभी मैं पेपर 16 तारीख के दिन देखो, 16 तारीख के दिन लिख के दिए, तो 16 तारीख के दिन लिख के दिए, अभी रिमेनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं दिए। फिर इसमें ऑलरेडी क्लियर लिखे हुआ है 12 लाख रुपए दिए, 20 लाख रुपए देना है, 18 लाख रुपए देना है विथ एक्सपेंसेस के साथ में, जो बनाया जो करा उसके साथ देना है बोले। फिर यही पेपर पीएस में बता के कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो पुलिस वालों को पढ़ने नहीं आता, जाहिल है क्या पुलिस वाले? ये सब पुलिस वालों को ना ऑलरेडी बोल रहे हैं 5 लाख रुपए दे के मैं मैनेज कर लिया पीएस को, पूरा बोल के बोल रहे हैं पीएस में, और वाकई में पीएस में कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब अगर आज मैं माजिदुद्दीन साहब से अगर कॉल पर नहीं बात करता तो मैं पीएस को भी नहीं आ सकता था। उन्होंने बोले पीएस को जाओ, कुछ ऐसा रहा तो मेरे को फ़ोन करो बोले, इसलिए बोल के यहाँ पर आया। अब मैं ये चाह रहा हूँ, मेरे को क्या प्रकाशगढ़ एरिया का लिमिट है ये, एमएलए साहब मेरा रिस्पॉन्स देना, उन लोगों की मेरे जिम्मे है एमएलए वो है बोल के बोल रहे हैं। मेघुल साहब कहने नहीं गए, उन्होंने बिजी थे, इससे पहले गया था एक बार जिक्र करे उनके लोग ने उल्ला बोल रहे हम ला कर लेते प्रकाश गौर साहब, तो मेरे को पीएस जिम्मे है बोल रहे ला 5 लाख दे के ओपन बोल रहे हैं ला। पुलिस साहब का फोन लगाई नहीं ना, उठाए नहीं उन्होंने। अब वो माजिदुद्दीन साहब मेरा फोन उठाए, उन्होंने बोले कुछ भी नहीं होता, मैं भेज रहा हूँ अहमद बेग साहब को भेज रहा हूँ, और बोलते थे अपने हुसैनी पाशा साहब को भेज रहा हूँ मैं, आप जाइए, अगर आपको कुछ भी धक्का भी लगा तो मैं देख लेता हूँ। बोले तो आया हम, अब मैं अब्दुल मोहम्मद अब्दुल सलीम मोहम्मद अब्दुल हफीज मोहम्मद अब्दुल खयूम, और बोलते तो परवेज खान और हैदर के नाम पे, हैदर मेन में बीच में आने वाला मेन हैदर है, उन्हें फोन करके कल से मैं को टॉर्चर कर रहा, चाबियाँ लेके आके दियो, चाबियाँ लेके आके दियो, नहीं तो मैं वो कर देता हूँ, मैं वहाँ बिठा लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ। तो साहब को फोन करा तो बोले कोई भी रहने दो ने, तो पे क्या तुम जाओ, कुछ भी हुआ तो मैं देखता हूँ बोले। पुलिस वाले क्या बोल रहे? पुलिस का कोई रिस्पॉन्स नहीं है ऐसा। अब यहाँ कंप्लेन भी जब से 2 घंटे से मेरे को यहाँ कंप्लेन ले रहे हैं, वहाँ पर बोलते थे डब्बा टूट रहा मेरा। डब्बा कहाँ है आपका? मेरा डब्बा डी मार्ट बैक साइड है, एचपी गैस गोडाउन के सामने, अत्तापुर पीएस है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है ही नहीं, साफ नहीं है, साफ है तो आओ बोल रहे हैं। दो घंटे से यही छू मैं, पूरा डब्बा टूट गया अब मेरा। तीन 6 महीने से मेरी कंप्लेन रिटर्न में 2 बार कंप्लेन दिया, ओरली 4 बार दिया, हाली उन लोगों को वार्निंग दे रहे हैं, बोलना फिर वापस आके बोल रहे हैं मैं खरीद मैं हाँ मैं पैसे दे के छूट गया, क्या कर लेता कर ले बोल रहे हैं। महमूद अली साहब को क्या बोलूँ, वहाँ बैठे हुए रहते बोलो बोलते यहाँ एक्शन। मैं अगर महमूद अली साहब से बोलना चाह रहा हूँ, अगर पुलिस अगर एक्शन साइन लेती तो आज मेरे साथ ये हादसा नहीं होता। आपको जान का धोखा है? मार देते ओपनली बोल रहे मेरे को। कौन है पूरे बोलो साहब पे? नहीं परवेज खान है, और बोलते तो मोहम्मद अब्दुल कय्यूम है, और उनका क्या बोलते तो हफीज है और हैदर है। अगर आप यहाँ से अगर कुछ भी करा तो मार देता हूँ। अगर मैं मेरे को कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार पुलिस है, क्यों बोलते सही से प्रॉपर पुलिस वाले मेरा सही से मेरी कंप्लेन ले रहे ना, एक्शन ले रहे मेरे से।